देख लो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, ढोलक टाइप की बनी हुई है। अभी मैं नवी मुंबई आ गया हूँ यार, पूना एक्सप्रेस हाईवे के पास। तो ये जो रूट है ना, ये पूना जाता है सीधा, और अभी मैं हूँ ये मुंबई से आया हूँ इस तरफ पूना जाने के लिए। दोस्तों मॉल के पास ये देखिए बाइक का स्टेचू लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है दिखने में। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। सिर्फ 1 किलोमीटर आने के लिए मैं चाहता तो सीधा निकल जाता, मैंने सोचा इस कॉर्नर पे यहाँ पे खाने का होटल कहीं मिल जाएगा तो वहाँ पे लंच कर लेंगे, और यहीं पे भी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। 45 मिनट हो गया है और अभी 3 बज चुका है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमेरियन ब्लॉग में। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज बुधवार है, क्योंकि मंडे को निकाला था गाड़ी, उसके बाद में कल नहीं निकाला था, कल मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, और कल अभी लास्ट गणपति है, तो कल अभी आज मैं डे चलाऊंगा, फिर नाइट में भी चला लूँगा अगर तबीयत सही रही तो। तो कैसा है कि ब्लॉक को एंड तक देख करिएगा। गाड़ी बाहर से तो गाड़ी धुलने वाले धुल दिया है, लेकिन मुझे जो है अंदर से साफ़ करना है। ये साफ़ कर लेते हैं, जो कि मुझे हर रोज़ की तरह साफ़ करना पड़ता है, भाई अपनी रोजी रोटी है, तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और देखिए ये सब पूरा मुझे क्लीन करना है, उसके बाद में फिर निकालेंगे गाड़ी, जहाँ जहाँ जाएंगे दोस्तों वहाँ आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। फाइनली गाड़ी साफ़ कर दिया है, और अब इसको मैं पॉकेट को यहाँ पे रख देता हूँ, और अब लॉगिन कर लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो ये मेरी दवाई है, ये दवाई मुझे अशोक भाई दिए थे। तो ये कैसा है, ये हजमोला टाइप की है, इसको एक गोली रोज़ मुझे खाना होता है, आयुर्वेदिक है। आज एक्चुअली कैसा हो गया कि मतलब ट्रैफिक थी, और मैं अभी BKC आया हुआ हूँ, और BKC में कैसा है ना, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, देख लो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, ढोलक टाइप की बनी हुई है। तो इसी तरफ हमको जाना है CNG डलवाने, जो कि मैंने अभी ना CNG डलवाया नहीं था। परसों जब गाड़ी मैंने निकाला था तो रात में जब खड़ी किया था तो CNG नहीं है, देखिए इसमें 2 पॉइंट है CNG मात्र। तो पहले डलवाते हैं CNG, उसके बाद में फिर कंटिन्यू ड्राइव करते रहेंगे। और इसकी CNG की लाइन काफ़ी बड़ी है, कम से कम नहीं तो 15 गाड़ियां हैं, देखिए वहाँ से लेकर के यू, और इस तरफ पेट्रोल पम्प है, देखिए ये है इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, और इसके बाजू में ये होटल है ट्राइडेंट होटल। अभी मैं नवी मुंबई आ गया हूँ यार, पूना एक्सप्रेस हाईवे के पास। तो ये जो रूट है ना, ये पूना जाता है सीधा, और अभी मैं हूँ ये मुंबई से आया हूँ इस तरफ पूना जाने के लिए। गाड़ी का वाइपर भी मेरी ख़राब हो गया है, बारिश जब होती है तो ठीक से साफ़ नहीं होता है, टायर में हवा भी चेक करवानी है। 3:15 बज गया है दोस्तों, और मैं अभी एक्सपेरिया मॉल के पास हूँ, पलावा सिटी। अब लगी है मुझे भूख, क्योंकि टिफ़िन लाया नहीं था। टिफ़िन इसलिए नहीं लेके आता हूँ क्योंकि जल्दी मतलब टरू को ज़्यादा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए फिर वो टिफ़िन मैं उनको बोल देता हूँ कि टिफ़िन मत देना मुझे। तो देखते हैं कहीं होटल मिलता है बिरयानी, या फिर कुछ खा लेते हैं, फ्राइड राइस या फिर जो भी मिलता है खा लेके चलते हैं। दोस्तों मॉल के पास ये देखिए बाइक का स्टेचू लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने जो बाइक है ये हॉलीवुड मूवी में देखा था, और इसे इसमें कितने इंजन लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगे हुए हैं, इतना भारी इंजन है। ये देखिए ये मॉल के पास है, गार्डन के पास, और अपने को इसी तरफ जाना है बाहर, इस तरफ जो बस गई है ना उस तरफ। सिर्फ 1 किलोमीटर आने के लिए मैं चाहता तो सीधा निकल जाता, मैंने सोचा इस कॉर्नर पे यहाँ पे खाने का होटल कहीं मिल जाएगा तो वहाँ पे लंच कर लेंगे, और यहीं पे भी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। 45 मिनट हो गया है और अभी 3 बज चुका है। तो भाई ये जाम लगी हुई थी ना, तो ये इसकी वजह से जाम है, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाया हूँ, सामने देख लीजिए जूम किया हूँ, देखिए यहाँ पर गाड़ी लगाया हूँ, और यहाँ पर होटल है, तो यहाँ पर मैंने पुलाव ऑर्डर किया है, यहीं पर पुलाव खाते हैं फिर निकलेंगे। दोस्तों मेरा पुलाव आ गया है, ये है मटन पुलाव बकरे का, और ये है देखिए कचुम्बर, मस्त एकदम लग रहा है दिखने में, ये कचुम्बर है। और अभी चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों लंच हो गया, अभी चलते हैं नवी मुंबई रिलायंस की तरफ, वहाँ पे ट्रिप मिलेगी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और तो यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे फंस के। तो अभी बैठ लेते हैं बस, अभी खुल भी नहीं रहा, देखिए इसमें सेंटर लॉक नहीं है ना, तो चाबी से लॉक करना पड़ता है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बारिश का मौसम बन गया देख लीजिए, और यहाँ पे भी बारिश होने का है, क्योंकि अंधेरा छा गया है,
और मैं यहाँ छाँव में लगाया हूँ गाड़ी ब्रिज के नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करूँगा, मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद में फिर बुकिंग आई तो चला जाऊँगा। तो भाई गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्किंग किया था, तो यहाँ पे ऑटो लग गए, इधर भी ऑटो लग गए हैं। अभी बारिश हो रही है ना, तो इसके लिए सब मतलब ऑफिस छूटने का टाइम हो गया ना, तो इसके लिए सब यहाँ पे लाइन से लगा के मतलब भाड़ा अपना अपना लेकर जाएंगे। तो मैं भी गाड़ी रिवर्स ले लेता हूँ, वरना मैं भी फंस जाऊँगा, तो यहाँ रिवर्स लेकर वहाँ पर लगा लेता हूँ। दोस्तों मेरा इरादा है कि आज मैं नाइट में ड्राइव करूँगा। मुंबई में आज बारिश बहुत ज़्यादा है और मैं हूँ पनवेल में। अभी यहाँ पर मैंने मतलब आके यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, मुझे जाना है वॉशरूम। यहाँ पे पनवेल में छोटे छोटे वॉशरूम बने हुए हैं और ये देख लीजिए गाड़ी, ये शादी बरातों में बुक करके लोग बुलाते हैं, ये फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों आज मैं पूरी रात ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि कल गणपति है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। तो अभी रात में 11 बजा हुआ है और मैं CNG डलवाने जा रहा हूँ, पेट्रोल टंकी पे हूँ, देख लीजिए वहाँ पे है ये। अभी मैं CNG डलवाऊँगा, फिर डिनर करूँगा और उसके बाद में ये कैसा होता है, मैं मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी होती है, तो आज क्या हुआ कि गर्दन का एक्सरसाइज नहीं किया, तो कंटिन्यू ड्राइव करने से ये दुखने लगा है। वैसे एक्सरसाइज जब करता था तब नहीं दुखता था, तो वैसे मैं सुबह सुबह यूँ एक्सरसाइज करता हूँ, फिर यूँ तो ये जो है और फिर ये दुखते नहीं है, तो तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं है। तो अभी CNG डलवा लेते हैं पहले। फाइनली हमारी गाड़ी में CNG देखिए पड़ने लगी है, आ गई है 610, 612 मतलब 630 रुपये तक जाएगी गैस, 617 पे अटक गई, तो अभी पैसे देते निकलते हैं यहाँ से। टायर में हवा कम थी तो उसके लिए हमने सोचा टायर की हवा भी चेक करवा लेते हैं, तो इसमें कम थी ना चारों टायरों में, तो हवा भी चेक हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। गाड़ी में पीछे अभी मैंने जस्ट देखा तो ये छाता किसी कस्टमर का छूट गया है, अब पता नहीं कॉल आएगा तो मैं उनको रिटर्न कर दूंगा, अब कॉल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कस्टमर को वो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा सामान छूट गया है। अब जब वहाँ से रिप्लाई आएगा और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा तब मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, तब मैं उनके एरिया में जाऊँगा, तब तो ये छाता उनको वापस करूँगा। तो हाथियों का स्टेचू आपको चेंबूर में मिलेगा देखने के लिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है शिवाजी महाराज का पुतला सामने, ये देखिए। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि 12:15 बजने वाला है, तो चलते हैं अभी खाना खा लेते हैं, 12:15 बजने वाला है और यहाँ पे होटल है, तो फ्राइड राइस जो मिलेगा वो खा लेंगे और उसके बाद में कहीं लंबा ट्रिप मिल गया तो अच्छा हो जाएगा। और रात में एक्चुअली 12 बजे के बाद में ट्रिप बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, मतलब समझ लीजिए रात खराब ही हो जाएगी, लेकिन कल गणपति है ना, तो उसके लिए मुझे अभी नाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो फिर मैं 12 बजे तक ड्राइव कर लूँगा, इसके लिए मैं नाइट कर रहा हूँ। तो चलते हैं खाना खाते हैं चलते पहले और देखते हैं। तो ये हम फ्रीवे के नीचे हैं, ये फ्रीवे ब्रिज है, ये देखिए सब दुखने लगा है यार मेरा। तो इस होटल में आया हूँ मैं खाना खाने के लिए और मैंने दाल फ्राई रोटी रोटी ऑर्डर किया है, वही खाएंगे, क्योंकि चावल खाएंगे ना तो फिर नींद आ जाएगी इसके लिए। बुकिंग देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं मिलेगी लेकिन स्टेशन के पास जाना पड़ेगा, कुर्ला स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक, वहाँ से मतलब ट्रेनें आती रहती हैं ना गाँव से, तो वहाँ पर बुकिंग मिल जाएगी। तो अब निकलते हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूं दोस्तों, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए ना मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5-6 मिनट का ही अपना ब्लॉग रहे तो वो बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन। तो अपनी गाड़ी है दोस्तों, निकालने जा रहा हूँ मैं, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखें, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाया हुआ था और अभी सो के उठा हूँ जस्ट गाड़ी में, और अभी निकलते हैं और अभी ड्राइव करेंगे तो पैसे उसके बाद में भी कर जाएंगे। तो ये देखिए हाईवे जाम था, तो मुझे मीटर रोड की बुकिंग आई थी, मैंने नहीं लिया था, ये हाईवे है सामने, ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं और यहाँ पे अपनी कैब, अपनी रोजी रोटी।